गुरु नानक जी का त्यौहार जिहड़ा बहुत मशहूर आ ते सिखां विच बहुत खुशी नाल मनाया जा रहा है ते चार सवेरे खुशियां ही खुशियां हन दुआ रहा। बिल गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि लंगर की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर की गई है। तमाम संगत जो है लंगर चखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोगों का भीड़ का जो समंदर है वो आज सभी गुरुद्वारों में देखने को मिल रहा है और बड़ी ही जोरों शोरों से जो है गुरु पर्व का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सुबह से लेकर अभी तक जो है भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद उनके जो है माथा टेकते हुए आपको पूरी संगत जो है वो नजर आ रही है। गुरुद्वारों में आपको देखने को मिलेगा, सभी गुरुद्वारों में सजावट जो है वो भव्य तरीके से की गई है। प्रकार के व्यंजन जो है वो बनाए गए हैं। व्यंजनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर चाप का लंगर लगाया गया है, मशरूम का लंगर लगाया गया है, केसर वाले दूध का लंगर लगाया गया है, गाजर के हलवे का भी लंगर लगाया गया है। चढ़दी कला वा लंगरां दा कोई अंत नहीं, लंगरां दी गिनती नहीं हो सकदी किन्ने प्रकार दा लंगर है। गिण लगीए ते गिणे नहीं जांदे। संगतां दा छकणां वालियां दा अंत कोई नहीं। कीर्तन चल रहा है, गुरू जस हो रहा वा, रात सारी रात कीर्तन होया गुरु घर दे विच। बहुत ही चढ़दियां कला, कृपा ही महाराज दी इन्नियां भी जो मंग लईए इस दर तों उहो ही मिलदा। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सर्वप्रथम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर से आप सभी को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के गुरुद्वारा में और लाइव तस्वीरें आप गुरुद्वारा से देख पा रहे हैं। भक्तों का जो समंदर है वो गुरुद्वारे में देखने को मिल रहा है और गुरु पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है आज मनाया जा रहा है। तमाम हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उन्हें इस पर्व की कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी के साथ जो है पर्व को आज मनाया जा रहा है। तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे अभी जो है लंगर चल रहा है और लोग जो है लंगर चखते हुए नजर आ रहे हैं और आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस भी है और गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर लोग जो हैं गुरुद्वारा में पहुंचे हैं, दीप भी जलाते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मनाया जा रहा है गुरु पर्व? बहुत बढ़िया जी, आज गुरु नानक देव जी का दिहाड़ा आया, बड़ी खुशियां ना लोग मना रहे ने, संगतां इकट्ठियां होईयां, लंगर पानी चल रहे ने, खूब शासक आ रहे ने ते रब दी रहमत है। कैसे दीपक भी जलाए जा रहे हैं गुरु नानक देव जी के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबको दीप जलाए जा रहे हैं। फिर सिखों में इस त्योहार को जो है दिवाली की तरह मनाया जाता है बड़ी ही खुशी के साथ। ये गुरु नानक जी का त्यौहार जेड़ा बहुत मशहूर आ ते सिखां विच बहुत खुशी नाल मनाया जा रहा है ते चार सवेरे खुशियां ही खुशियां हन दुआ रहा। बिल्कुल, तो चारों तरफ जो है खुशियां ही खुशियां हैं। आंटी जी क्या कहना चाहेंगी, कैसे मनाया जा रहा है गुरु पर्व? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आता है। हमने दर्शन पाए से सत करतार दे, संतों के दर्शन किए हैं, सानू बहुत सुकून मिलता है इत्थे आके। बिल्कुल, तो संगतों का कहना है कि यहाँ पर पहुंचकर जो है उन्हें आज सुकून मिल रहा है और सचमुच में भी हमें भी यहाँ पर कवरेज करते करते जो है एक सुकून जो है वो मिल रहा है, सुकून की प्राप्ति जो है आज हमें भी वो यहाँ से मिल रही है। और भी लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से गुरु पर्व का त्यौहार जो है सिखों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस पर्व को बड़े ही जोरों शोरों से जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को जो है संगत जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाती हुई नजर आ रही है। सर क्या कहना चाहिए, किस तरीके से मनाया जा रहा है गुरु पर्व? बहुत बढ़िया जी, संगत जो बढ़िया चली जाता है, बाकी थोड़ा दिस ही जाता महाराज जी कृपा। संगतों के चेहरे पर वो रौनक देखने को मिल रही है, खुशी आज खुशी ला करके मिल रही है जी। संगत नूं भी खुशी है, महाराज भी खुशी है, दर्शन दारे करी जाती संगत। बिल्कुल, तो संगतों के चेहरे पर आपको वो खुशी देखने को मिलेगी, वो रौनक देखने को मिलेगी। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि लंगर की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर की गई है। तमाम संगत जो है लंगर चखते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों का भीड़ का जो समंदर है वो आज सभी गुरुद्वारों में देखने को मिल रहा है और बड़ी ही जोरों शोरों से जो है गुरु पर्व का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे मनाया जा रहा है गुरु पर्व? बढ़िया जी, लंगर की व्यवस्था की गई है। हाँ जी, सैकड़ों की हजारों की संख्या में पहुंच गए, बहुत बहुत ज्यादा है सुबह से लेकर अभी तक। हाँ जी, और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? सभी चलता है 4 बजे चलो जी। हाँ जी बिल्कुल, तो चारों ओर आपको जहाँ भी आपकी नजर आएगी पूरे चारों तरफ जो है आपको
संगतों का समंदर देखने को मिल रहा है। संगत जो है इस समय लंगर चखती हुई नजर आ रही है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। तमाम लोग जो है इस दिन जो है गुरुद्वारे में आकर जो है पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, और जो है यहाँ पर अभी सभी लोग जो है लंगर चखते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप करनाल के बलड़ी बाईपास के पास बने गुरुद्वारा से देख पा रहे हैं। हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो है लोगों का यहाँ पर समंदर देखने को मिल रहा है। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे, कैसे मनाया जा रहा है गुरु पर्व? बहुत खुशी से मना रहे हैं जी। और क्या खास किया जाता है इस दिन? खास है अभी सारे इकट्ठे होकर मनाने हैं गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। हाँ जी बहुत खुशी है। बिल्कुल, तो बहुत खुशी है, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बलड़ी बाईपास पर बने गुरुद्वारा पोहर साहिब से, जहां पर तमाम संगत जो है वो आज गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम सुबह से लेकर अभी तक जो है सभी गुरुद्वारों में जो है भीड़ देखने को मिल रही है। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलड़ी बाईपास के गुरुद्वारा पोहर साहिब से। गुरुद्वारे में आप वो सजावट देख सकते हैं किस तरीके से जो है भव्य सजावट आज गुरुद्वारे में की गई है। संगतों का ढेर जो है सुबह से आ रहा है और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आज जो यहाँ पर सजावट की गई है और भव्य जो यहाँ पर लंगर का आयोजन किया गया है, उनका आशीर्वाद लेते हुए सभी संगत जो है आज आपको नजर आ रही है। सुबह से लेकर अभी तक जो है भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद उनके जो है माथा टेकते हुए आपको पूरी संगत जो है वो नजर आ रही है। गुरुद्वारों में आपको देखने को मिलेगा, सभी गुरुद्वारों में सजावट जो है वो भव्य तरीके से की गई है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलड़ी बाईपास पर बने गुरुद्वारा पोहर साहिब से, जहां पर संगतों का समंदर आपको देखने को मिल रहा है। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर, जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जो है संगत यहां पर आज गुरु नानक देव जी का आज गुरु पर्व के उपलक्ष्य में बाबा करतार सिंह जी संधु के आप भी लाइव दर्शन कर सकते हैं। और तमाम संगत जो है वो भी सुबह से लेकर अभी तक जो है भारी संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में संगत जो है बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंगर की भी व्यवस्था की गई है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन जो है वो बनाए गए हैं। व्यंजनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर चाप का लंगर लगाया गया है, मशरूम का लंगर लगाया गया है, केसर वाले दूध का लंगर लगाया गया है, गाजर के हलवे का भी लंगर लगाया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के आज व्यंजन बनाए गए हैं और संगत जो है इस समय लंगर चखती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। और बड़ी ही धूमधाम से जो है आज गुरु पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ जो है संगत मनाती हुई नजर आ रही है। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मनाया जा रहा है गुरु पर्व? गुरु घर में बहुत ही बढ़िया, धन धन संत बाबा करतार सिंह जी दे दरबार से, धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। बहुत ही चढ़ती कला वा, लंगर का कोई अंत नहीं, लंगर की गिनती नहीं हो सकती, किन्ने प्रकार का लंगर है गिण लगी है तो गिने नहीं जाते। संगतां तो छकण वालियां दी अंत कोई नहीं, कीर्तन चल रहा, गुरु जस हो रहा वा, रात सारी सारी रात कीर्तन होया गुरु घर, बहुत ही चढ़दियां कला, कृपा ही महाराज दी इन्नी आ भी जो मंग लिए इस दर तो उ मिलता। तुम सच्चे मनो अरदास करो, आके लंगर छक लो। महाराज जी का फरमान है भी जेड़ा मेरे घरों लंगर छक गया वह भी दुख कट्टे जाएंगे जेड़ा आ गया। बहुत ही कृपा, बहुत ही ज्यादा चढ़दियां कला महाराज। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बिल्कुल, जो कल रात से जो लेकर है अभी तक जो है यहाँ पर कीर्तन जो है वो लगातार चल रहा है। लंगर की अगर बात की जाए तो एक से बढ़कर एक व्यंजन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और तमाम संगतों का समंदर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। पूरी रात जो है कीर्तन चला है, अभी भी कीर्तन जो है वो लगातार चल रहा है और संगतें जो है यहाँ पर बाबा साहेब का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँच रही है। एक बार फिर से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से आप सभी को गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं। लाइव तस्वीर आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ नमस्कार।